इस वक्त हमारे साथ बस्ती से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आपके पास क्या डिटेल्स वहां से, क्योंकि ये कितनी महत्वपूर्ण सीट है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। खुद प्रधानमंत्री भी वहां पर गए थे प्रचार करने के लिए। जी बस्ती में देखा जाए तो प्रधानमंत्री यहाँ प्रचार करने पर आए थे, उसके बाद यहाँ जो बस्ती सदर सीट पर हमें जीआईसी इंटर कॉलेज पर बस्ती का जो मुख्य मुद्दा है वो किसानों का है और यहाँ चीनी मिल का जो है वो मुख्य मुद्दा रहता है। यहाँ पर बस्ती के जो किसान है वो गन्ना का उत्पादन करते हैं और ये मुख्य मुद्दा यही रहता है। लेकिन बस्ती की बात की जाए तो यहाँ मतदान प्रतिशत 49% है जो अन्य जिलों से यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ लोगों में उत्साह है और सबसे ज्यादा उत्साह ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी तक जो मतदान का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है आया है। बस्ती महादेवा विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ 51% जो सुरक्षित सीट है और वहाँ पर मतदान आया है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपके बार मतदान जाता हो। लेकिन दोपहर का समय शहरी क्षेत्र में मतदान जो है वो कम लोग घरे से दोपहर के समय निकलते हैं, सुबह के समय भारी मतदान हुआ था। अब शाम जिस तरीके से शाम हो रहा है उस समय मतदान परसेंट शहरों में भी बढ़ेगा। बात की जाए बस्ती समा 5 विधानसभा सीट है, पिछली बार भाजपा ने जीता था, अब की बार जो है वो कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जी राघवेंद्र बिल्कुल, और जिस बात का जिक्र आपने किया कि ग्रामीण मतदाता भी इस बार काफी उत्साह में लबरेज नजर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर अगर हम ग्रामीण इलाकों को देखें तो वहां पर भी अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, खेती बाड़ी को लेकर किसान परेशान है और जो छुट्टा सांड एक मुद्दा इस वक्त के चुनावी फेज में नजर आ रहा है वो भी काफी जोर शोर से उठा रहे हैं नेता। जी अगर देखा जाए छुट्टा साड़ का जो है मुद्दा वो काफी उठा, काफी चर्चा में रहा चुनाव में, हर जगह जो है साड़ का मुद्दा जिससे किसानों का फसल नुकसान हो जाता था। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया, कारण ये है कि मोदी सरकार द्वारा जो 6,000 रुपए उनको किसानों को दिया जा रहा है और कई ऐसी सुविधाएं जो दी जा रही है उसको लेकर कहीं कहीं किसान उत्साहित है और वोट कर रहा है। जी